बात करेंगे, ये जो समरानी कप है, ये समरानी कप के ऊपर आज डिटेलिंग करेंगे कि इसमें क्या क्या रॉ मेटेरियल आप लोगों को चाहिए और ये कप कैसे बनता है और इसमें क्या क्या मेटेरियल आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो टोटल आज इसके ऊपर, आज इसका फॉर्मूला, इसका टोटल डिटेलिंग आज इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं सुदीप कुमार बोस और आप लोग देख रहे हैं चैनल प्रगति मैन्युफैक्चरर। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो समरानी कप कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये है एक तो कप जो कि चारकोल का बना हुआ है और इसके अंदर देखिए दोस्तों कुछ मटेरियल डाला हुआ है, ये ही जलता है दोस्तों। तो ये इसके अंदर क्या क्या होता है और इसका टोटल फॉर्मुलेशन आज क्या होने वाला है, तो आज उसके ऊपर ही आप लोगों को बताएंगे, टोटल फॉर्मूला करके दिखाएंगे कि आप लोग कैसे समरानी कप का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से, सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला में नंबर वन आप लोगों को चाहिए, अगर ये कप आप लोग व्हाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मसाला है और ब्लैक के लिए अलग मसाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को चाहिए प्रीमिक्स पाउडर, प्रीमिक्स पाउडर। तो दोस्तों प्रीमिक्स पाउडर में आप लोग अगर ये काला वाला बनाना चाहते हैं, काला वाला कप, तो ब्लैक लेना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। तो दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से आप लोग काला बॉक्स, काला ये जो काला कप बना सकते हैं और सफेद कप बना सकते हैं, सफेद मतलब ब्राउन जैसा, तो उसके ऊपर ही। तो आप लोग सबसे पहले ये प्रीमिक्स लेना पड़ेगा नंबर टू। नंबर टू इसमें जो डस्ट आता है, गोबर का डस्ट, देसी गाय का गोबर, उसका डस्ट आप लोगों को यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसमें आप लोग ठीक है, गोबर का डस्ट यूज करना पड़ेगा। तो गोबर का डस्ट, ये है कप का फॉर्मूला। जो कप अगर ब्लैक बनाना चाहते हैं तो ब्लैक प्रीमिक्स के साथ गोबर जाएगा आपका 700 ग्राम अगर प्रीमिक्स पाउडर होता है, तो उसके साथ 300 ग्राम गोबर का पाउडर, ये गोबर डस्ट जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपको 700 से 300 गोबर डस्ट लेके, ब्लैक ले और व्हाइट ले लीजिए, जो भी लीजिए उसके साथ ये 700-300 फॉर्मूला करके आप लोगों को ये 1 किलो मसाला को बनाना है। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप लोग देख सकते हैं, ये जो कप है ठीक है, ये जो समरानी कप है, इसके छोटा डाइस आता है मार्केट में, छोटा छोटा डाइस मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले वो डाइस को लेके ये कप आप लोगों को उस डाइस में डाल के ये कप को बनाना है, सिंपली एम्प्टी कप को बनाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि ये एम्प्टी कप को आप लोगों को बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर जो मटेरियल जल रहा है, देखिए दोस्तों इधर देख सकते हैं, इतना बहुत धुआं है और इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है, इसका जो सुगंध बहुत बढ़िया है, इसका जो सेंट, इसका जो परफ्यूम पूरा लोबन टाइप का आता है, ये हवन में बहुत यूज होता है। तो उसके बाद इसका अंदर का मटेरियल हम लोग फॉर्मूला बताएंगे। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसका अंदर वाला मटेरियल के लिए, सबसे पहले दोस्तों नंबर वन लोबन डस्ट, लोबन का डस्ट लेना है। नंबर टू लोबन डस्ट लेना है। नंबर टू में आपका चाहिए कपूर, कपूर का पाउडर, कपूर डस्ट। उसके साथ आप लोगों को चाहिए देसी गाय का घी, देसी घी ठीक है। और उसके साथ आप लोगों को यूज करना पड़ेगा गूगल लिक्विड परफ्यूम, और इसके साथ अगर आप लोग लौंग इलायची इस्तेमाल करना चाहते हैं और पाउडर मतलब सूखा फ्लावर, ड्राई फ्लावर पाउडर, तो आप लोग इस तीनों को भी
यूज कर सकते हैं, लौंग, इलायची और ड्राई फ्लावर पाउडर, मतलब सूखा फूलों का डस्ट। तो देखिए दोस्तों, इसका कुछ इस तरह से ये जलता है और इसके जो अंदर वाला जो मटेरियल जिस जो मैंने फॉर्मूला में अभी लिखा है, तो इसको क्या है ना, इसको मटेरियल को कुछ इस तरह से बनाना पड़ता है कि लोबन डस्ट उसमें जाता है 800 ग्राम, एक किलो में कपूर जाएगा 50 ग्राम, देसी घी जाएगा 50 ग्राम, और ये जो गूगल का लिक्विड परफ्यूम ये जाएगा 50 ग्राम, और लौंग, इलायची और ड्राई फ्लावर पाउडर अगर ये आप लोग नहीं लेंगे तो भी चलेगा, अगर लौंग और इलायची लेता है तो ये 25 ग्राम और ये 25 ग्राम, ठीक है। तो बाकी का जो 50 ग्राम रहता है टोटल कुल मिला के 950 आता है, 950, तो 950 के साथ आप लोगों को 50 ग्राम गम मैट का ऐड करना पड़ेगा, 50 ग्राम गम, आप लोग गुआर गम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुआर गम का इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए कि ये जो पेस्ट, ये पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये इधर अंदर से बाहर ना निकले, ये जम के पूरा अंदर टाइट फिटिंग सेट हो जाए, इसलिए कुछ इस तरह से देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये गिरेगा भी नहीं निकलेगा भी नहीं, तो कुछ इस तरह से पेस्ट बना के ये कप के अंदर डालना पड़ता है। तो दोस्तों इसको अंदर डालने के बाद ये रेडी, सुखाने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक नाइट के बाद ये रेडी हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सम्रानी कप का आप लोग पैकिंग कर सकते, मतलब बिजनेस कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये आता है और कप का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। तो दोस्तों और कुछ नहीं है, उसके बाद आप लोग टोटल मटेरियल को फॉर्मुलेशन करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये कप के अंदर डाल के कुछ इस तरह से दोस्तों, कुछ इस तरह से इसको जलाइए। इसका बहुत धुआं ज्यादा होता है लेकिन ये बहुत बड़े वॉल्यूम एरिया के लिए यूज होता है, बड़ा मंदिर में एक को जलाएंगे तो इसमें काम हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग फॉर्मूला करिए, उसके बाद इसका कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपली इसको एक तो छोटा सा पैकिंग करके इसका स्टैंड आता है, इसका स्टैंड में डाल के मैं दिखा देता हूं, फिर भी ये कुछ इस तरह से देखिएगा, बोलिएगा कुछ इस तरह से मार्केट में इसका बॉक्स मिलता है, तो इसमें 12 पीस रहता है, ठीक है, एक दर्जन, और प्लस उसके साथ एक तो स्टैंड। तो दोस्तों अभी ये जो साम्रानी कप का मार्केट बहुत ही हाई चल रहा है, बहुत ही बिजनेस इसका बहुत बढ़िया चल रहा है, आप लोग चाहे तो ये साम्रानी कप का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, उसमें और कुछ नहीं है, मैंने वीडियो में पूरा डिटेलिंग कर दिया है, और इसका धुना लोबन होने की वजह से इसका हवन सामग्री में भी बहुत यूज होता है, और इसके बहुत सेल, इसका जो ग्राफ है सेलिंग ग्राफ अभी मार्केट, इंडिया मार्केट में बहुत हाई है, मतलब बहुत ही सेलिंग इसका ज्यादा है। तो आप लोग इसका बिजनेस सेटअप करके छोटा सा सेटअप कर सकते हैं दोस्तों। तो और कुछ नहीं है दोस्तों आज के वीडियो में, मैंने जितना जानकारी देना था मैंने दे दिया, आप लोग फिर भी बहुत सारे चैनल है उधर से भी जानकारी ले सकते हैं, और ज्यादातर जो मैंने बताना था मैंने वो बता दिया। तो दोस्तों और कुछ नहीं है, आज के लिए साम्रानी कप का टॉपिक था, और आज के लिए वीडियो इतना ही, नमस्कार।